हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि आमिर खान एक सुपर हीरो फिल्म के लिए लोकेश कनराज से बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो आमिर खान और लोकेश कनराज पिछले कुछ दिनों में कई बार मिले हैं और अब ये दोनों एक सुपर हीरो फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं। लोकेश कनराज बहुत जल्द इस सुपर हीरो फिल्म का पहला ड्राफ्ट आमिर खान को देने वाले हैं। और अगर बात आगे बढ़ती है तो आमिर खान और लोकेश कनराज की फिल्म की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साथ विक्रम 2 नहीं आएगी, क्योंकि कुली के बाद लोकेश कनराज कैथी 2 को डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद वो किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ फिल्म करेंगे। तो शायद कैथी 2 के बाद लोकेश कनराज एक सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट करेंगे जिसमें आमिर खान लीड रोल में नजर आएंगे। इस सुपर हीरो फिल्म के अलावा आमिर खान प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद से गजनी 2 के लिए और अंदाज अपना अपना के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से भी एक फिल्म पर बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि सितारे जमीन पर फिल्म के बाद आमिर खान की अगली फिल्म क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सूर्या 45 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। कंगवा के बाद सूर्या 44 जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया है और उसके बाद सूर्या 45 जिसे आरजे बालाजी डायरेक्ट करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सूर्या एक एक्शन फिल्म के लिए आरजे बालाजी से बात कर रहे हैं। तो आज सूर्या 45 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म के और कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। तो देखना होगा कि सूर्या के साथ इस फिल्म में और किन किन कलाकारों को कास्ट किया जाता है और ये फिल्म कब तक आती है। सीटाडेल हनी बनी का ट्रेलर कल 15 अक्टूबर को रिलीज होगा। सीटाडेल हनी बनी सीटाडेल की इंडियन स्पिन ऑफ है जिसे राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है। वरुण धवन और समांतर उत्प्रभु लीड रोल में होंगे, वहीं के मेनन, सिमरन बग्गा, सिकंदर खैर और साकिब सलीम अहम भूमिका में नजर आएंगे। 2023 में आई सीटाडेल को काफी खराब रिव्यू मिले थे और ये सीरीज फ्लॉप हो गई थी। हालांकि अभी हाल ही में रिलीज हुई इसके इटालियन वर्जन को काफी पसंद किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि सीटाडेल का इंडियन वर्जन कैसा होता है। तो सीटाडेल हनी बनी का ट्रेलर कल 15 अक्टूबर को रिलीज होगा और ये सीरीज 7 नवंबर से प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर ये है कि उपेंद्र की पैन इंडिया फिल्म यूआई की रिलीज डेट चेंज हो गई है। यूआई पहले इसी महीने अक्टूबर में आने वाली थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अब ये फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। यूआई के फर्स्ट लुक टीजर को तो आप सबने देखा ही होगा। टीजर काफी यूनिक है और ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में हमें कुछ तो नया देखने को मिलेगा। खैर, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे खुद उपेंद्र ने ही डायरेक्ट किया है और वही फिल्म के लीड रोल में भी नजर आएंगे। वहीं रिश्मा ने सनी लियोनी, जिसुसेन गुप्ता और मुरली शर्मा अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जो 20 दिसंबर को कन्नड़ के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। कुबेर फिल्म के मेकर्स महाशिवरात्रि की प्लानिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म 26 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। कुबेर धनुष की फिल्म है जिसे शेखर कमूला डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी जिसमें धनुष के साथ रश्मिका मंदना, नाग अर्जुना, जिम सराब और दिलीप ताहिल अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये कुछ पोस्टर हैं जिन्हें पिछले दिनों कुबेर फिल्म से रिलीज किया गया था। तो अगर ये फिल्म महाशिवरात्रि पर आती है तो अभी इसके टीजर ट्रेलर में काफी टाइम लगेगा। तो देखते हैं कुबेर फिल्म की अगली ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी के आने वाली फिल्म पूजा मेरी जान की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। पूजा मेरी जान नवंबर के महीने में आने वाली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि छावा की वजह से फिल्म की रिलीज डेट हट गई है। छावा विकी कौशल की फिल्म है जिसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। छावा बायोपिक फिल्म है, वहीं पूजा मेरी जान सोशल ड्रामा फिल्म है। दोनों अलग अलग फिल्में हैं, लेकिन फिर भी पूजा मेरी जान की रिलीज डेट चेंज हो गई है और अभी फिल्म 2025 के शुरू में रिलीज होगी। आलिया भट्ट ने कहा है कि जीले जरा फिल्म बंद नहीं हुई है, बल्कि ये फिल्म जरूर बनेगी। फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर भी चाहते हैं कि जीले जरा फिल्म बननी चाहिए। जीले जरा की अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी, जहां कहा गया था कि फरहान अख्तर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आएंगी। अभी बीच में फिल्म के बंद होने की खबर आई थी, लेकिन आलिया भट्ट ने साफ कह दिया है कि जीले जरा फिल्म जरूर बनेगी। तो देखते हैं जीले जरा फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। 2019 की सुपरहिट फिल्म रेडी और नॉट के सीक्वल पर काम स्टार्ट हो गया है और इस फिल्म में भी समारा विविंग लीड रोल में नजर आएंगी। 2019 में रिलीज हुई रेडी और नॉट को काफी पसंद किया गया था, जिसे अभी आईएमडी पर 6.9 की रेटिंग मिली है। अच्छी फिल्म है जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी इस फिल्म को हिंदी डब में देख सकते हैं। तो रेडी और नॉट के सीक्वल पर काम स्टार्ट हो गया है। देखना ये होगा कि फिल्म की कहानी पहले पार्ट के एंड से स्टार्ट होती है या फिर फिल्म में हमें कोई नई कहानी देखने को मिलेगी। वैसे क्या आपने रेडी और नॉट फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।